उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आपकी और मेरी मुलाकात 7 या 8 साल के बाद हो रही है, काफी अरसा गुजर चुका। उम्मीद करता हूं कि आपने भुलाया नहीं मुझे, क्योंकि अकबर ओवैसी ने कभी आपको नहीं भुलाया, ना आपको ना महाराष्ट्र के किसी भी मुसलमान को अकबर ओवैसी कभी भुलाएगा। चाहे वो औरंगाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो मुंबई का मेरा मुसलमान भाई हो, चाहे वो जालना का मुसलमान भाई हो या बीड का मुसलमान भाई हो या उस्मानाबाद का मेरा मुसलमान भाई हो या फिर नांदेड़ का मेरा मुसलमान भाई हो, हर उस नौजवान, हर उस बुजुर्ग, हर उस माँ, हर उस बेटी, हर उस बहन जिसने महाराष्ट्र के मेरे उस तवील सफर जो मसायब और मुश्किलात से घिरा हुआ था, जिसका आगाज हमने किया था, तो आपने जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको कभी अकबर ओवैसी ना भूला था, ना भूला है, ना भूलेगा। सैयद मोइन इस बात की गवाही देंगे कि रमजान का महीना था, नांदेड़ में हमने एक रोजा खोला और उसके बाद नांदेड़ से निकलकर औरंगाबाद को आए थे और यहाँ पर भी हमने रोजा खोला था। और जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की ना मजबूती थी, ना ताकत थी, ना कोई मजबूत तंजीम थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि शानदार इस्तकबाल हुआ था। चाहे 2013 या 14 का वक्त था, तो आज मैं वो बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सफर तवील था, कठिन था, लेकिन हमने उस वक्त आगाज किया था। और जब आगाज किया था तो हम बड़े ही चंद लोगों के साथ इस सफर का आगाज किया था, लेकिन आज सारे महाराष्ट्र में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग जुड़ते गए, ये कारवां बनता गया और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के मुसलमानों की दिलों पर हुकूमत करने लगी, दिलों को जीत कर उनके दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। और आज न सिर्फ औरंगाबाद के लिए एक तारीखी दिन है, बल्कि मेरी जिंदगी के लिए भी एक तारीखी दिन है कि आज एक स्कूल का, एक एजुकेशनल कैंपस का संगे बुनियाद रखा जा रहा है और ये एजुकेशनल कैंपस इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाए तकमील को पहुंचेगा। ये काम हो रहा है, लेकिन इस काम और इस तकरीब में मैं जरूर उन सारे लोगों को याद करता हूँ यहाँ खड़े होकर जिन्होंने मेरा साथ दिया। आज उन सबको याद करता हूँ, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह उनके खबरों को नूर से भर दे, जिन्होंने भी अकबरुद्दीन ओवैसी के खांदे से खाना मिलाकर एक कदम भी आगे बढ़ाया है। तो अल्लाह अगर इन इमारत में पढ़ने वाले बच्चों की दुआओं से तो अजर जो सवाब देगा, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तो इसका अजर सिर्फ मुझे न दे, मेरे साथ खाने से खाना मिलाकर एक एक कदम चलने वाले हर उस शख्स को भी उसका अजर दे जिनकी वजह से आज का ये दिन हमको नसीब हुआ। जो लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं उनको भी याद करता हूँ और उनको भी याद करता हूँ जो लोग किसी वजह से हमसे दूर हो गए। आज वो दूर है, लेकिन कल हमने जब सफर का आगाज किया था तो ये हमारे साथ थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आने वाले कल में फिर से उनको हमारे करीब कर दे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने मोहसिनों को कभी नहीं भूलता। अकबर ओवैसी की आदत है कि अगर उसके लिए कोई एक कंकर भी उठाएगा तो अकबरुद्दीन ओवैसी जिंदगी भर उसके एहसान को कभी फरामोश नहीं करता, ना कभी भूलेगा। अगर आज मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं तो मैं आज जरूर ये भी कहना चाहूंगा कि 2 से 3 साल से सारी दुनिया कोविड नाम की एक बीमारी से लड़ रही है और कोविड की वजह से कई लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। मैं आज इस महफिल में, इस तकरीब में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुबहाना उताला कोविड में ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी की वजह से जो अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर दवाखाने में बिस्तर दस्तियाब नहीं होने की वजह से अल्लाह को प्यारे हो गए, या फिर घरों में तड़प तड़प कर सिसक कर दम तोड़ दिए हैं वो कोविड मैं मरने वाले सारे लोगों के हक में दुआ करता हूं कि अल्लाह इन सब की खबरों को नूर से भर दे, अल्लाह इनकी मगफरत फरमाए। दुआ करता हूं कि अल्लाह उनके अफराद खानदान को सब्र जमील अता फरमाए और
ये मेरा अखलाकी फर्ज बनता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी जानिब से औरंगाबाद की आवाम को और सारी आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपका ममनून हूँ, आपका मशकूर हूँ कि आपने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक सिपाही को, एक उम्मीदवार को आपने अपने हलके पार्लियामेंट से कामयाब किया और इम्तियाज जलील को ऐवाने पार्लियामेंट में भेजा। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपका मुबारक, और बाद में इम्तियाज जलील साहब का को भी मुबारकबाद देता हूं। और ये बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान में तालीम के शोबे में, रोजगार के शोबे में तरक्याती सरगर्मियों को अगर देखते हैं और अगर अकलियतों की आबादियों का जायजा लेते हैं तो सबसे पिछड़े हुए, सबसे पीछे, सबसे पसमानदा और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो मुसलमान। चाहे वो गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो, चाहे वो गुजराल कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट हो या कोई भी रिपोर्ट हो, हर रिपोर्ट ने यही बात कही कि सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर और सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान का मुसलमान है। और आज अगर मैं मुसलमान की बात करता हूं तो लोगों को एतराज होगा, लोग कहेंगे कि अकबर ओवैसी मुसलमान की बात कर रहा है। हां, मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, करता था और करता भी रहूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं आवाम का नुमाइंदा हूं। अवामी नुमाइंदे का काम क्या है? एक एमएलए की हैसियत से उसका काम क्या है? एक एमपी की हैसियत से उसका काम क्या है? क्या मैं ताकतवर का हाथ पकड़ूं या कमजोर का हाथ पकड़ूं? जो पीछे है उसको आगे लाऊं या आगे वाले का हाथ पकड़ूं? जो कमजोर है उसको ताकत दूं या ताकत वाले को ताकत दूं? आप गौर करो, अवामी नुमाइंदे की हैसियत से दस्तूर पे हमने हल्फ लिया। हमारी जिम्मेदारी है कि जो पिछड़ा है, जो कमजोर है, जो आखिर है, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको ताकत दें और उसको आगे बढ़ाएं। और कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं होता, तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता जब तक कि उस मुल्क के हर शहरी को इस बात का एहसास ना हो कि वो भी मुल्क की तरक्की का हिस्सेदार है। मैं आज इस फाउंडेशन स्टोन के जरिए मुसलमान बच्चों को नेशन बिल्डिंग प्रोसेस का हिस्सा बनाने के लिए आया हूं। हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े, सिख भी आगे बढ़े, ईसाई भी आगे बढ़े, पारसी भी आगे बढ़े, बुद्ध भी आगे बढ़े, जैन भी आगे बढ़े, तो तभी ये मुल्क दुनिया का सुपर पावर बनेगा। लेकिन अगर कोई बेवकूफ अगर ये समझ रहा है कि सिर्फ किसी एक की तरक्की से ये मुल्क सुपर पावर बनेगा तो वो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है। मैं ये कहूंगा कि सबकी तरक्की जब होगी इस मुल्क में तो तभी मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान सुपर पावर बनेगा। ये अजम, ये इरादा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि तालीम के मैदान में मुसलमान सबसे पीछे हैं, पिछड़ा हुआ है। लेकिन जब ये एजुकेशनल कैंपस आ रहा है तो ये एजुकेशन कैंपस बेशक मुस्लिम आबादी में है, अतराफ और अकनाफ मुसलमान रहते हैं, लेकिन दूर से अगर कोई हिंदू भी अगर इस स्कूल में, एजुकेशनल कैंपस में पढ़ना चाहता है तो हमारे दरवाजे उसके लिए बंद नहीं है, उसके लिए भी खुले हैं। अगर ईसाई भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं, पारसी भी आएगा उसके लिए भी खुले हैं,
और अगर कोई अल्लाह को नहीं मानने वाला भी आएगा तो उसके लिए भी खुले हैं। वो तुम्हारा दिन है जो हमारे लिए तंग है, लेकिन ये हमारे